हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस चैनल। इसमें मेरा सक्सेस चैनल में आपको स्वागत है। इसमें मैं सिविल रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूँ, एक तो और एक्सेल रिलेटेड वीडियोस डाल रहा हूँ, और टेंडर का जो संबंध जो है, और उसके अलावा फोटोशॉप है, और MS पैड है, और स्टोर इन्वेंट्री है, सब डाल रहा हूँ। जैसे प्रोग्रेस चार्ट है, BBS है, और डिजाइन ऑफ बॉक्स कलवर, DPR, ई टेंडर के जो है, और स्टॉक इन्वेंट्री है, ये सब कुछ डाल रहा हूँ। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी चाहिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा सारे जो नोटिफिकेशन है, जो जो भी मैं वीडियो डालूंगा, आपका आ जाएगा। चलिए आज वीडियो के अंदर चलते हैं। आज जो हम देखने वाले हैं, कंपैरिजन चार्ट है, ठीक है। ये जो कंपैरिजन चार्ट है वो इसलिए बनाना पड़ता है कि अगर कहीं भी अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आपका एक एक मोटिवेशन देना है लोगों के अंदर, आपका एम्प्लॉयज के अंदर एक मोटिवेशन देना है, तो ये चार्ट, तो कंपैरिजन चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे एक एम्प्लॉई नेम आ जाएगा आपका, और एक अचीव्ड है, और एक टारगेट है। मतलब एक टारगेट इसमें तो फॉर एग्जांपल सबका 55 दिया है। जैसे एक टारगेट है इन सबका, अगर मान लीजिएगा कि वेंकट है, चंदर जैसे है, तो वेंकट की जो टारगेट है अगर 95 है, चंदर की 95 है, ओम प्रकाश की 85 है, सबको ऐसे जो टारगेट इसमें दे देते हैं। अगर नहीं तो सबका एक ही टारगेट भी इसमें दे सकते हैं कि इस आपका एक ही टारगेट है, तो यहाँ ये टारगेट लाइन है, ठीक है। तो इसमें आप अगर एडिट भी कर सकते हो, किसी का 85 और किसी का 65, किसी का 55, 45, 35, कुछ भी दे सकते हैं इसमें, और 69, 35, मैंने ये दे दिया। ये इन सबका टारगेट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मतलब इनका इतना इतना क्यूबिक मीटर कंक्रीट करना है, मान लीजिए इनका विक्रम के पास एक छोटा स्ट्रक्चर है, इसलिए इनका इनक्यूब कम आ रहा है, जो भी जो है, और यहाँ पे इनके अचीव डाल देते हैं। अगर मान लीजिए इन्होंने 85 करा, तो 65 करा, और ये उन्होंने 70 करा, उन्होंने 60 करा, 55 करा, 30 करा, मान लीजिए इन्होंने 85 करा, और इन्होंने 50 करा, और इन्होंने 85 करा, इन्होंने 10 करा, ये माना था। जैसे ये अब यहाँ पे तो टारगेट आ गया, इनके टारगेट प्लान ही है। जैसे वेंकट के सामने है 95 में है, लेकिन उन्होंने 65 करा, इनकी 95 है और 70 करा, जिसे कुणाल है इनकी, मान लीजिए इनकी 55 है, उन्होंने 30 करा। जैसे कोई अमित है, इनकी जो अमित है, मतलब इनकी जो टारगेट था 45, उन्होंने 85 करा इसका। ये जैसे ही है, इसमें आपका एकदम दिखने में भी ठीक लगेगा। ये मैंने यहाँ पे एक इंसर्ट में जाके क्रिएट कर सकते हो, और कलर का ये कर सकते हैं हमने। अब यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे, यहाँ पे आपका एकदम बढ़िया सा आ जाएगा, ठीक है। ये एक पहले चार्ट है, और सेकंड चार्ट चलते हैं। ये वाला चार्ट है, इसमें क्या है कि जैसे अगर आप कोई सेल की कंपनी हो, कोई भी सेल के बिजनेस कर रहे हो, इसमें आप ये देखना चाह रहे हैं कि यार मेरा वीक डेज में क्या हो रहा है, वीकेंड में क्या हो रहा है, क्या सेल्स हो रहा है, वो देखना चाह रहे हो, तो यहाँ पे जैसे आप डाल के चार्ट जैसे बना सकते हैं। मेरा जैसे संडे में हो रहा है 58 है, और मंडे में हो रहा है, जैसे इसको आप देख के ये लगा सकते हो कि मेरा जो सबसे कम सेल हुआ है, जैसे कि फ्राइडे, तो मैं अगर मैं छुट्टी के दिन संडे क्यों रखूँ, मैं फ्राइडे रख सकता हूँ जो सबसे ज़्यादा सेल कम हो रहा है। मतलब ये एक हफ्ते में नहीं, आपका अगर 5-6 हफ्ते एक बार देख के ये एक चीज़ आप कर सकते हो। और जैसे ये लाइन चार्ट है, लाइन चार्ट का आप कंपेरेटिव कर सकते हो, जैसे कि ये प्रोजेक्टेड है और ये एक्चुअल है, ये हमने प्लान किया था, जैसे टारगेट करा था, ये अच्छी उड़ है। इसका क्या है कि इन दोनों के लाइन में कंपेरिजन हो जाएगा कि जैसे ये जैन में हमने क्या प्रोजेक्शन करा, मतलब जैन में 1500 का टारगेट है और एक्चुअल 912 हुआ, ये जैसे कि आपका प्रोजेक्टेड है और ये आपका वो है, ठीक है। और नेक्स्ट चार्ट है, ये भी सेम चीज है, जैसे जैसे ये 15% है, इसके हिसाब से आपको ये रहेंगे। जैसे 85 यहाँ पे अचीव हुआ है, और यहाँ पे 72 की जगह पे अगर मैं ये 72 ये वाला है, अगर इसकी जगह पे मैं 30 करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये भी ये लाइन चार्ट ही है, ठीक है। और नेक्स्ट चार्ट देखते, ये आपको एकदम एक मस्त चार्ट है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ एक बार कैसे करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई कंस्ट्रक्शन बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन लिख लीजिएगा, यहाँ पे दो टीम है। अगर जैसे कि कोई भी अगर दो टीम बनाना, तो बहुत जरूरी है कंपैरेटिव के लिए, ठीक है, तभी उनके एक इनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा। और इनके क्वांटिटी का यूनिट है ये, और इन्होंने क्या अचीव करा, इन्होंने क्या अचीव करा, ये है, ठीक है। तो मान लीजिए उन्होंने मतलब कंक्रीट में 800 और 658, स्टील में 3868, ये सब कुछ है, ठीक है। पाइप कलवर्ट में उन्होंने 99,
नंबर्स का 968 नंबर्स का, एक्सएन में 86 क्यूबिक मीटर का, ये सब कुछ है। अब यहाँ पे आइए कि चार्ट में देखते हैं। मेरे को मतलब कॉन्क्रीट चाहिए पहले। कॉन्क्रीट में मतलब कौन ज़्यादा किया, वेंगट का टीम ने ज़्यादा करा। और स्टील में देख लीजिएगा, इनके सिवा की टीम ने ज़्यादा करा। और पाइप कलवर्ट में फिर वेंगट का टीम ज़्यादा करा। मतलब अब जो करेंगे वो उसका वेट के हिसाब से हो जाएगा। ये नंबर सब कुछ आपका यहाँ से ये ले लेगा, ये अपने आप बदलते भी रहेगा। आपको जो भी यहाँ पे चाहिए वो कर सकते हैं। नहीं है मेरे को अगर सारे चाहिए तो इसका आप कॉपी भी करके, जैसे इसको आप कॉपी भी करके दूसरा दूसरा जगह लगा के दो तीन कर सकते हैं। इसका भी कॉपी करके इस ड्रॉप डाउन को भी आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अगर ड्रॉप डाउन वगैरह कैसे बनानी है मेरा ये दूसरा वीडियो में है, आप वो देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। ये एक चार्ट है आपको, जैसे सर्विस लेवल जो भी करने के लिए है, जैसे बैटरी चार्ट है। और इनमें लोअर कैप अगर 5% आप यहाँ पे 10 करोगे, ये जो अगर लोअर कैप है इसकी जो ये बढ़ जाएंगे सब कुछ फार्मूला में देख लीजिए। और अपर कैप की अगर मैं 50% करूँ, अपर कैप की वो साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, सब कुछ फार्मूला में ही है। और आपके ये सर्विस लेवल है, जैसे मैं इसका 80 करूँ तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर एरिया वो 20 हो जाएगा, माइनस करके फार्मूला रखा हूँ। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर ये भी फार्मूला में ही था, ये भी फार्मूला में था, यहीं पे जो भी चेंज करना है करना है। अगर मैं यहाँ 80 करूँ, यहाँ भी 80 हो गया, यहाँ भी 80 हो गया, यहाँ भी 80 में आ गया, यहाँ भी 80 में आ गया। ठीक है, ये मूविंग मैन चार्ट है ये जो है, और ये डूनट चार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हो, जैसे ये 100 फॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। मैं अगर यहाँ 100 कर दूँ तो 100 अचीव हो गया, और यहाँ पे मैंने 20 करूँ तो 20 हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। यह है गेम है, जैसे ये गेम है, इसमें आप अगर इसमें शूट करोगे तो ये एरो जो जाके यहाँ पे होगा। ठीक है, एक बढ़िया गेम है, अगर बच्चे के लिए भी हो सकता है। अगर बच्चे के चाहिए तो आप इसको निकाल कर देख सकते हो। जैसे जैसे 10 एरोस होता है इसमें शूट करेंगे तो वहाँ पे प्लीज क्लिक एंड प्ले फर्स्ट प्ले करना पड़ेगा इसे डीवे करके। ठीक है, इसमें ये आप प्ले कर सकते हो गेम का। यहाँ पे सब कुछ है। ठीक है, और उसके बाद ये टाइमर है। अगर आपको कोई भी इंटरव्यू के लिए किसी को बुला रहे हो, उनका अगर इंटरव्यू के लिए कोई टाइमिंग देना है, इतने टाइम के अंदर वो करनी है, वो टाइमर आप दे सकते हो। इसमें एक बार स्टार्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। जैसे स्टार्ट, एक सेकंड, इसमें शायद वीडियो चल रहा है इसलिए वो चल नहीं रहा है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लग रहा है। टू रन मैक्रोस यू नीड टू रीओपन दिस वर्कबुक, चूज एनेबल मैक्रोस। अच्छा, ये रीओपन करना पड़ेगा। अगर ये आप करेंगे तो आपके तो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और ये फोकस वाला जो है, इसमें क्या है कि आपका अगर जो भी टीम है सेल्स में यूज कर सकते हैं, नहीं तो आपका कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई भी बिजनेस में यूज करते हैं, उन्होंने क्या अचीव करा। ठीक है, ये यहाँ पे डाल देंगे, ये ऑटोमेटिकली जैसे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए वेंकट एक 1350 और कन्नन 1200 और राजी 700 और राघव 500, इसमें तो इनके जो फोकस है ये फोकस आ जाएगा जो ज़्यादा कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लीजिए अभी राजी के जगह पे यहाँ पे कर रहा हूँ 2000, तो ये ऑटोमेटिकली वो फोकस वहाँ चला जाएगा। ठीक है, मैं अगर राघव का कर रहा हूँ अगर यहाँ 2000, तो ये फोकस राघव में चला जाएगा। अगर मैं कन्नन पे कर रहा हूँ अगर 3000, तो ये कन्नन पे आ जाएगा। मैं रिटर्न अगर वेंकट में कर रहा हूँ अगर 3500, तो वो वेंकट। तो ये फोकस वाला चार्ट है, ये बहुत बढ़िया लगेगा ये भी। ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं ये शीट वगैरह आपको भेज दूंगा। ठीक है, और उसके बाद इंफॉर्मेशन विद कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, ये है। यहाँ पे आप जैसे टारगेट है, ये जो है अचीव्ड है, इसमें टारगेट मान लीजिए अगर 80% है। ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका अगर टारगेट 80% है, अगर इन्होंने अचीव कर लिया अगर 90, तो ऑटोमेटिकली ये ग्रीन में दिखेगा जो या 90 तक अचीव कर लिया। उन्होंने 90 अचीव करा ना, अगर इनका 91 टारगेट है तो ये ऑटोमेटिकली रेड में दिखेगा। ये मेन चीज है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट स्टार्ट देखते हैं। जैसे ये मल्टीपल प्रोजेक्ट के लिए आपका यूज होगा,
अगर आपका एक कंपनी है, जैसे कि अगर आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक पांच छह प्रोजेक्ट चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिएगा एक चेन्नई एयरपोर्ट में एक प्रोजेक्ट है, नागपुर रोड प्रोजेक्ट, मुंबई फ्लाईओवर, दिल्ली बाउंड्री वॉल, हरियाणा आरओबी, रेवाड़ी स्ट्रक्चर और एनएचए बाउंड्री वॉल, ऐसे छह सात प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आपकी दो पार्टनर्स हैं, जैसे कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर जो भी हो, और उनकी जो मतलब उस प्रोजेक्ट का क्या अचीवमेंट है वो आप इसमें दिखा सकते हो, कि जैसे ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है इनके अचीवमेंट 78 है, इनका 72 है, जैसे 53 और 60 ये सब हो सकते हैं, इधर सिवा टीम है, इधर बैंक टीम है, ठीक है, इसके हिसाब से आपका यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग। ये सब इसके साइज है, मतलब जो प्रोजेक्ट नेम की साइज है, ये प्रोजेक्ट नेम की साइज मतलब ये वाला जो साइज है, यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम आ सकता है, ठीक है, इसमें अगर आप उसमें फार्मूला डाल दोगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम भी इसी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी साइज, अगर मैं 50 के जगह पे इसको 20 कर दूँ तो ये इसका साइज कम हो जाएगा, ठीक है। और ये टीम ब्लैंक एरिया, टीम ब्लैंक एरिया का मतलब ये वाला जो ब्लैंक एरिया है ये हो जाएंगे, ये डायरेक्ट माइनस होकर आएगा, जो आपने अचीव करा उसके माइनस होकर यहाँ आ जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली फार्मूला से आ जाएंगे, ठीक है। और ये नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, ये सेम चीज़ है, बस ये हॉरिजॉन्टल में, इससे पहले चार्ट वो वर्टिकल में, इतना ही डिफरेंस है, ये भी आपको बहुत मस्त लगेगा। और ये स्लाइड मीटर चार्ट है, इसमें सेम है, जो आपका अगर आप कोई सेल देखना चाह रहे हो, आपका संडे में क्या हुआ, अगर इसके हिसाब से अब जिस दिन अगर बहुत कम सेल हुआ, मेरा जो बहुत कम सेल हुआ जैसे 13 सॉरी संडे है, और उसके अलावा टारगेट मेरा 75% है, अगर 74% के ऊपर हो गया, 75 का अबव हो गया, तो उसमें आपका वो ऑटोमेटिकली ग्रीन आ जाएगा, और उससे कम जो हुआ वो ऑटोमेटिकली रेड आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट चार्ट देखते हैं, ये स्पीडोमीटर चार्ट है, इसमें भी आपका जैसे सर्विस लेवल और सेल्स कन्वर्शन ये सब डाल सकते हैं, इसके हिसाब से आपको ये चार्ट दिखेगा। और नेक्स्ट है, एक बहुत बढ़िया चार्ट है एक मंथली अचीवमेंट का, इसमें भी सेम है, जैसे कि यहाँ पे आपका एक टारगेट लिख लेते हैं, एक 75 टारगेट है, 75 का अगेंस्ट मैंने 76 करा तो ये प्लस मतलब ग्रीन में दिखेगा, और 81 करा ग्रीन है, मतलब 75 से जितनी ऊपर है, जैसे 54 है तो ये 75 से नीचे है, टारगेट से नीचे है तो ये रेड कलर में दिखेगा, और सब कुछ ऐसा ही है, जो टारगेट अचीव हो गया वो ग्रीन में दिखेगा, नो नहीं कौन सा महीने में जो अच्छी नहीं हुआ और वो रेड पे दिखेगा। इस जगह पे अगर अगर कोई आप बंदे का भी अगर कंपैरेटिव बनानी है इसी में बना सकते हैं। और नेक्स्ट चार्ट है, जैसे ये टेस्ट ट्यूब टाइप है, आप परफॉर्मेंस का लेवल डाल सकते हैं, कि अगर यहाँ 50 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली 50 में हो जाएगा, और यहाँ 20 डालेंगे तो ऑटोमेटिकली 20 में हो जाएगा, और ये 92 डालेंगे तो 92 भी सॉरी 92 भी हो जाएगा, और 100 भी आप डाल सकते हो, 100 डालेंगे तो 100 हो जाएगा। ये क्या है कि ये ब्लैंक एरिया का वो परसेंटेज है, और ये जो फिल होने का परसेंटेज है वो, इसलिए इसी फार्मूला से ये लेगा जो भी लेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं 0 करूँगा तो 0 के नीचे चले गए, ये 100 ब्लैंक एरिया 100% हो गया, ठीक है, तो मैं कुछ भी कर लूँगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये सारी चार्ट आपको अगर पसंद आए, मेरा चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और आपके दोस्तों के साथ भी, ठीक है। अगर आपका ये सारे चार्ट अगर चाहिए आपको, तो आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिएगा, और आपको मेल आईडी दे दीजिएगा, मैं चार्ट आपको भेज भी दूंगा, ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।